मैं भी कंप्यूटर विजन के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट हम एक फिर नए टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एडीसीए डीसीए एंड बीसीसीए ट्रिपल सी कोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक चलता हमारा है प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स और कंप्यूटर फंडामेंटल का पहला टॉपिक आपको बताया जा रहा है। इस टॉपिक में क्या क्या चीज पढ़ा चुके हैं, यानी जिसमें पिछले टॉपिक आपने पढ़ा दिया गया था जिसमें आपको एस एल पी एस मदरबोर्ड एफ डी डी एंड एस डी डी और एस एस डी डी के बारे में बताया गया था, प्लस आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया गया था फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया गया था। तो आपको ये बताया कि फ्लॉपी डिस्क हमारा सबसे पहला एक्सटर्नल स्टोर डिवाइस था जो किसी भी कंप्यूटर के डेटा को एक कंप्यूटर से निकालकर किसी दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर की जा सकती थी। तो आज उस फ्लॉपी डिस्क को हटाकर देखा जाए तो उसका सीडी का इस्तेमाल किया गया, डीवीडी का इस्तेमाल किया गया और आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेन ड्राइव का, जो बहुत ही ईजी एक छोटा सा पेंसिल की तरह होता है जो जेब में रखकर आसानी से डाटा को कॉपी करिए और कहीं दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव में थोड़ा डिफरेंशन है, पेन ड्राइव इज स्मॉल डाटा स्टोरेज डिवाइस, एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस है, एक छोटा सा पिन है, यहाँ देख सकते हैं ये छोटा सा जो यूएसबी पोर्ट की तरह होता कंप्यूटर लगा होता है, लगाइए और डाटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड सेफ लाइक इज पेन व्हिच बिल्ट इन डाटा स्टोरेज कंटेन टू द कंप्यूटर बाय यूएसबी पोर्ट, यानी आसानी से इसको यूएसबी पोर्ट जहाँ पे आप कीबोर्ड या माउस लैपटॉप या डेस्कटॉप पर लगाते हैं उसी जगह इसको लगाइए, डेटा को आसानी से कॉपी कीजिए, कॉपी करके किसी दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको इन्वेंशन किया गया था 1998 में, आईबीएम कंपनी ने इसको बनाया था। 1998 में आईबीएम कंपनी ने इस पेन ड्राइव का इन्वेंशन किया था और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम, जब सबसे पहले पेन ड्राइव आया था तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 GB थी और मैक्सिमम 84 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं इसमें। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल ड्राइव होता है जो हर व्यक्ति कंप्यूटर लाइन में इसको स्टोर करता है, यानी डेटा को सेव करने के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल डिवाइस होता है। तो आज का वीडियो यही है, आपको आशा है समझ में आया होगा कि पेन ड्राइव क्या होता है। अगर समझ में आया है तो इसको मित्रों को दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट इस बेल आइकॉन को दबाइएगा जिससे कोई भी वीडियो समय से पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।